गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 23 मध्य प्रदेश एंड इट्स वेल्थ तो पिछले पीरियड में हमने इसके एग्रीकल्चरल वेल्थ के बारे में पढ़ा था अब हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे मिनरल वेल्थ तो अब हम एमपी के मिनरल वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे इट वॉज द इंडिपेंडेंस डे वाइल ट्रेवलिंग इन द वर्स आई हियर अ सॉन्ग ऑन रेडियो तो नैरेटर क्या कह रहे हैं कि कौन सा दिन था स्वतंत्रता दिवस का दिन था इंडिपेंडेंस डे था जब मैं बस में ट्रेवल कर रहा था और बस के बाहर से किस गाने की आवाज आ रही थी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती दिस लाइन रेफर टू द वेल्थ दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ तो इस लाइन से ही क्या समझ में आ रहा है कि हमारे अर्थ के अंदर से भी क्या निकलता है वेल्थ निकलता है इन विच अलोंग विद द क्रॉप वी ऑल्सो ऑप्टेन सब्सटेंस फ्रॉम अ अंडरग्राउंड माइन्स नोन एज मिनरल्स तो क्रॉप के अलावा हम और जो चीज जमीन से प्राप्त करते हैं जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं अंदर माइन्स से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं मिनरल्स दीज आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स तो मिनरल का इस्तेमाल यूटेंसिल्स कॉइन ज्वेलरी एंड इवन फॉर बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के लिए भी किया जाता है दिस मिनरल्स आर प्यूरिफाइड एंड देन यूज फॉर मेकिंग वेरियस वेल्यूएबल थिंग्स तो मिनरल किस किस मिनरल से क्या क्या बनता है आयरन से क्या बनता है यूटेंसिल्स बिल्डिंग फर्नीचर कॉपर से क्वाइन परसेलिन स्कल्पचर इलेक्ट्रिकल वायर्स। गोल्ड सिल्वर से क्वाइन ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डायमंड से ज्वेलरी और ग्लास कटिंग कोल से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शंस फ्यूल सॉरी इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन फ्यूल फ्रॉम वेयर डू यू ऑप्टेन मिनरल तो ये मिनरल हमको प्राप्त कहाथड फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ अर्थ तो मिनरल में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं और हमें वो कहा से मिलता है जमीन के अंदर से द प्लेस फ्रॉम वेयर सच मिनरल आर टेकन आउट आर कॉल्ड माइन्स तो जहां से इसको निकाला जाता है उस जगह को माइन कहते हैं देयर आर प्लेसेस विच आर फेमस एंड नोन फॉर द एवेलेबिलिटी ऑफ सच माइन्स एंड मिनरल्स लाइक मालाच खंड इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज नोन फॉर माइनिंग ऑफ कॉपर तो मालाच खंड जो की बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के वो किस चीज के लिए है जाना जाता है कॉपर के माइनिंग के लिए इन आर स्टेट द मेजर मिनरल आर फाउंड इन द फॉलोइंग लोकेशन तो कौन-कौन से मिनरल कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं तो ये मिनरल के नाम हैं और ये डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं तो डायमंड कहां पाया जाता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कॉपर बालाघाट में लाइमस्टोन कटनी नीमच और मंसूर में अब हम पढ़ेंगे एनिमल वेल्थ के बारे में द नेम ऑफ माय काऊ इज लक्ष्मी शी इज वेरी सिंपल बाय नेचर एंड इज वेरी यूजफुल फॉर आवर फैमिली तो नेटर क्या बोल रहा है हमारे गाय का नाम क्या है लक्ष्मी है और वो बहुत ही नेचर से कैसी है सिंपल है और हमारे परिवार के लिए बहुत ही यूजफुल है माय ब्रदर दीपू डेली कंज्यूम मिल्क एंड ब्रेड फ्रॉम द मिल्क एंड माय मदर प्रिपेयर घी एंड बटर फ्रॉम इट तो क्या बोल रहा है कि मेरा भाई डेली क्या पीता है दूध पीता है और ब्रेड खाता है और मिल्क से क्या क्या चीजें तैयार होती है घी और बटर जो उसकी माँ तैयार करती है द डंग इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग कंडे एंड पेंटिंग कटिया जैसा कि आपके घर में भी लिपते तो होंगे कि गाय के गोबर से जो आंगन होता है उसको लिपते हैं और साथ ही साथ उसके कंडे भी बनाए जाते हैं जो ईंधन के रूप में काम आता है अपार्ट फ्रॉम दिस द काउ इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आर लाइफ शी इज सेक्रेट टू टूअर्स हम गाय की पूजा करते हैं इन इंडिया काउ इज कॉल्ड गौ माता भारत में गाय को क्या बोला जाता है गौ माता ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल and and गोवर्धन पूजा तो गोवर्धन पूजा के दिन आप सब भी अपने गाय को सजाते हैं बैलों को सजाते हैं मिल्क ऑबटेन फ्रॉम द काउ इज नोन एज नेक्टर तो गाय का जो दूध होता है उसे क्या बोला जाता है अमृत बोला जाता है बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन एडल्ट एंड ऑल्सो फॉर द पेशेंट काउ मिल्क इज मोर न्यूट्रिटिव एंड डाइजेस्टिव देन द मिल्क ऑफ अदर एनिमल किसी भी दूसरे जानवर के कंपेयर में गाय का जो दूध होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है इट्स यूरिन इज आल्सो यूज फॉर क्यूरिंग मैनी डिजीज इन न्यूरोपैथी ट्रीटमेंट तो न्यूरोपैथी ट्रीटमेंट में गाय के यूरिन का भी इस्तेमाल किया जाता है अब हम टूरिस्ट वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे लाइक एज वी केम टू विजिट पंचमरी सिमिलरली आर स्टेट हैज मैनी अदर टूरिस्ट प्लेस तो हमारे स्टेट में और भी कई टूरिस्ट प्लेस हैं। वे आर सेवरल हंड्रेड इयर्स ओल्ड बिल्डिंग टेम्पल्स केव स्टोन पेंटिंग्स एक्सेट्रा फाउंड सम प्लेसेस आर फेमस फॉर देयर सीनिक ब्यूटी वाइल सम हैव वेरी एंशियंट टेम्पल एंड फोर्टेस तो कुछ अपनी सीनरी के लिए और कुछ बहुत ही पुराने टेम्पल्स और फोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है तो क्या क्या है ये क्या है सांची स्तूपा ये भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में है ये महाकाल टेम्पल पे है उज्जैन में और ये क्या है फोर्ट ऑफ ग्वालियर पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस विजिट दिस स्पॉट ऑल सच स्पॉट और प्लेसेज विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेज टू विजिट द आर कॉल्ड टूरिस्ट तो ऐसी जगह दूर दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है कि वो लोग आए और इसका विजिट करें सो so, जो विजिट करने आते हैं उनको क्या कहते हैं टूरिस्ट और ऐसी जगह को क्या कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट इन 2016 सिक्सटीन द सिंहस्थ कुंभ मेला हेल्ड इन उज्जैन अट्रैक्टेड वेरियस टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड तो टू में जो उज्जैन में कुंभ का मेला हुआ था उसमें विदेशों से भी कई लोग आए थ्रू दिस द टूरिस्ट टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ अवर स्टेट फ्लोरिस्ट अलॉट तो इससे हमारे स्टेट को बहुत फायदा होता है दिस इज द रीजन दिस प्लेसेस आर नोन एज टूरिज्म वेल्थ इसीलिए इनको टूरिज्म वेल्थ बोला जाता है अब हमारे जो एमपी uh, के जो शहर है कुछ शहर ऐसे हैं जिनको कुछ खास नामों से बोला जाता है जैसे जबलपुर को क्या बोला जाता है मार्बल सिटी पचमरी को क्वीन ऑफ सतपुरा भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स और उज्जैन को सिटी ऑफ टेम्पल्स तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि टूरिस्ट प्लेस दी हुई है और वो टूरिस्ट प्लेस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो भी दिया है तो इसे आपको अपने कॉपी में लिखना है और इसको लर्न भी करना है तो so, आज हमने चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री कम्प्लीट कर लिया है आज आपको इसे टू टाइम रीड करना है और इसको अच्छे से स्टडी करनी है और एमपी का जो इन्फॉर्मेशन है उसे आपको हमेशा ध्यान रखना है